हम लोग पहले समझते थे कि वर्ल्ड वार थ्री तो रूस, अमेरिका, चीन, जापान, ईरान वगैरह के बीच होगा, लेकिन यार किसे मालूम था कि वर्ल्ड वार थ्री तो यूट्यूब और टिकटॉक के बीच छिड़ जाएगा। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की जो रूह भी जलानी है। टिकटॉक, टिकटॉक और टिकटॉक। यार मुझे समझ नहीं आता, आखिर टिकटॉक में ऐसा है क्या जो आप उसके पीछे ही पड़ गए हो? नहीं जानते? आओ चलो मैं बताता हूँ। टिकटॉक एक ऐसा जंगल है जहाँ के जीवों का जेंडर नहीं होता। वहाँ इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग वहाँ पर 15 सेकंड के लिए अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करके अपने होठों को हिलाओ या कभी कभी कुछ भी मत हिलाओ, मगर आप लोग एक्टर कहलाओगे। और ये जो बॉलीवुड है ना, सलमान शाहरुख, ये कुछ नहीं है, असली एक्टर तो टिकटॉक वाले हैं। और हाँ, टिकटॉक बनाने वालों की अपने घर में बहुत इज्जत होती है, यकीन नहीं आता, आप खुद देख लो। बस थोड़ा सा मुँह और धो लूँ, फिर तो काम चालू। धमाल मचा दूंगा टिकटॉक पे, धमाल। अब बिल्कुल रेडी, अब मचाऊंगा धमाल टिकटॉक पे। लग गए पापा भैया। बाबा मैं आपका बेटा। मेरा बेटा क्या कर रहा है? बाबा कर रहा है फुटबॉल की टिकटॉक पे वीडियो बना रहा है। मुझे ना करेगा। अरे नशे ने बाबा ने रहेगा बाबा सो नशे ने चलो सो बाबा नहीं 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 जा 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 और जा टिकटॉक वाले छक्कों की फौज में शामिल हो जा। तेरा बाप तो देखा आपने किस तरह से एक बाप ने बेटे को प्यार किया, घर के अंदर बुलाया और कहा बेटा बना ले टिकटॉक। अब चलते हैं दूसरी तरफ और देखते हैं कि किस तरह से ये नई प्रजाति अपने घरों का माहौल खराब कर रही है। मतलब जब ये लौंडे अपनी वीडियो नौटंकी बनाते हैं ना, तो इनके माँ बाप को भी खूंखार होना पड़ता है और फिर कहते हैं यार हमारे ऐसा कंटेंट तैयार करना बहुत मुश्किल काम है। अब खाक मुश्किल है, जितने टाइम में तुम्हारी पूरी वीडियो बन जाती है ना, इतने टाइम में तो हमारा टॉपिक भी डिसाइड नहीं हो पाता। अब चलते हैं उनकी तरफ जिसकी वजह से टिकटॉक का पूरा मोहल्ला बदनाम हो गया। आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जी हाँ, ये वही गंदी मछली है जिसकी वजह से टिकटॉक का पूरा तालाब गंदा हो गया। ये शख्स बरेली के बाजार में गिरे हुए झुमके से ज्यादा गिरा हुआ और मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 200 रुपए किलो में बिकने वाले आमिर सिद्दीकी की। हेलो गाइस, जो दिस इज योर बॉय आमिर सिद्दीकी। यस, मैं सारे यूट्यूबर्स को आज बोलना चाहूँगा, यार देखो तुम लोग हमारा कंटेंट चोरी करते हो, उस पर लिपसिंग करके इतने सारे व्यूज लाते हो और बाद में हमारी बुराई करते हो। यार ये बात तो गलत है। देखो अगर तुम्हें देखना है ना असली मेहनत क्या होती है, तो एक बार टिकटॉक वीडियो। अरे भाई बस, अब रुलाएगा क्या? अब सुन, पहली बात तो हम लोग टिकटॉक पाएंगे नहीं, और अगर आ गए ना तो 200 रुपये वाला रेट 2 रुपये किलो हो जाएगा। और यार मैं आखिर में कैरी मिनाटी से कहना चाहूँगा, यार तुमने उसको शकलका बम वाली पेंसिल की तरह बता दिया, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यार बचपन में हमने उस पेंसिल को यूज़ किया है, कुछ इज्जत है उस पेंसिल की। अब तुम किसी बंदे के साथ हमारी पेंसिल को कंपेयर करोगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम पेंसिल के साथ हैं।